हाय वेलकम इन दिस वीडियो गाइस। आज हम बात करने वाले हैं कैम स्कैनर के अल्टरनेटिव एप्लीकेशन के बारे में। सो मैंने बहुत सारे एप्लीकेशन ट्राई किए हैं, सभी को इंस्टॉल करके देखा है, जो भी मुझे बेस्ट लगा। पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूँ एक अल्टरनेटिव के बारे में, ये दूसरा एप्लीकेशन है। सो ये एप्लीकेशन भी बिल्कुल टक्कर का है कैम स्कैनर की, और कैम स्कैनर से अच्छा ही एप्लीकेशन है ये। इस एप्लीकेशन का नाम है DOC स्कैनर। सो यहाँ पर मैंने जो एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रखा है वो है रिप्लेस इट एप्लीकेशन, जिसके थ्रू आप पता लगा सकते हो हर चाइनीज ऐप का अल्टरनेटिव, राइट। सो ये भी एप्लीकेशन इंडिया का ही है, तो आप पता लगा सकते हो, इसको इंस्टॉल कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो अभी देखिए, इस एप्लीकेशन के थ्रू मैंने ये वाला जो एप्लीकेशन मिला है, कुछ एप्लीकेशन में डेवलपर कॉन्टेक्ट में नहीं लिखा है उनका एड्रेस, इसलिए मुझे पता नहीं चल पा रहा था। तो यहाँ से मुझे एप्लीकेशन जो मिले हैं वो बेस्ट हैं कैम स्कैनर के, और टक्कर के हैं कैम स्कैनर के। तो यहाँ पर हम लोग DOC स्कैनर एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लिया है मैंने, आप भी इंस्टॉल कर सकते हो। प्ले स्टोर की लिंक डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, क्लिक करोगे डायरेक्ट प्ले स्टोर पर आ जाओगे, क्लिक करोगे डाउनलोड हो जाएगा। ओपन करते हैं और दिखाते हैं आपको इसका इंटरफेस। देखिए, फर्स्टली आपको कुछ परमिशन अलाउ करना है, जो कि आप हमेशा से करते आ रहे हैं फ़ोटो की, ओके। एंड यहाँ पर देखिए, आपको फर्स्टली कैमरे का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ से आपको पिक्चर क्लिक कर लेना है। तो हम यहाँ से पिक्चर क्लिक कर लेते हैं नॉर्मल पेपर की। उसके बाद यहाँ पर आपको ओके कर देना है। उसके बाद सेम आपको एडजस्ट करने का ऑप्शन आएगा, जैसे कैम स्कैनर में आता है। तो यहाँ से आप एडजस्ट कर लीजिए इसको, देन राइट। उसके बाद आपको यहाँ पर स्कैन हो जाएगी ये, सेम यहाँ पर ब्राइटनेस जितनी करना है जैसे कैम स्कैनर में करते थे उतना, या फिर ऑटोमेटिक सेट आएगी ब्राइटनेस, आप उसको कर सकते हो। यहाँ पर आप अलग अलग फिल्टर लगा कर देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, सेम आपको स्कैन वाली फीलिंग आएगी। उसके बाद यहाँ पर राइट क्लिक कर दीजिए, आपका हो जाएगा पेज सेव। इसको आप होल्ड करके शेयर पर क्लिक करेंगे तो एज अ PDF आप इसको शेयर कर सकते हो, इमेज भी शेयर कर सकते हो। सेम कैम स्कैनर वाला फंक्शन है। यहाँ पर आपको अलग अलग ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे कि सेटिंग्स का ऑप्शन मिल जाता है। अभी इन्होंने पेड सर्विस स्टार्ट नहीं करी है, बट अभी जैसे जैसे यूज़ करते जाएंगे सर्विसेज अपडेट होती जाएगी। तो अब ये इंडिया की एप्लीकेशन है, थोड़े अभी स्टार्टिंग फेज पर हैं, तो आपको थोड़ी कम सर्विसेज मिलेगी, बाकी बहुत अच्छी सर्विसेज मिलेगी। सो आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो एप्लीकेशन को, आपका सारा काम हो जाएगा कैम स्कैनर में जो भी होता था। तो यहाँ पर आप इसको ऐप को सपोर्ट भी कर सकते हो, यहाँ पर 650 रुपये देकर। सो यहाँ पर आपको प्रो वर्जन भी मिल जाएंगे। इफ़ यू लाइक दिस ऐप प्लीज़ कंसिडर परचेसिंग द प्रो वर्जन टू सपोर्ट डेवलपमेंट, थैंक्स। तो यहाँ पर एक प्रो वर्जन आएगा जिसके अंदर आपको क्लाउड सर्विस मिल जाएगी, और जो भी कैम स्कैनर में सर्विसेज थे सभी इसके अंदर मिल जाएगी, ओके। सो आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हो। एंड सेकेंड वीडियो है, उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, जिसके अंदर मैंने एप्लीकेशन बताया है डॉक्यूमेंट्स एप्लीकेशन, जो कि यहाँ पर ऑलरेडी है। उसका भी इंटरफेस बिल्कुल सेम कैम स्कैनर जैसा है, तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हो। DOC स्कैनर भी बेस्ट है, ओके। एंड अगर आप USA का यूज़ करना चाहते हो तो वो भी यूज़ कर सकते हो, USA के एप्लीकेशन यूज़ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर गूगल भी USA का ही, आपको पता है। तो आप Adobe स्कैनर भी यूज़ कर सकते हो, वो भी कैम स्कैनर से बेटर है। आई होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।